नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया था खाने वाले नमक के माध्यम से, और इसे मैंने धूप में भी नहीं सुखाया, और ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम भुरभुरा डिटर्जेंट पाउडर हुआ है, दानेदार, देखिए कितना बढ़िया। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आप डिटर्जेंट पाउडर बनाकर घर पर चेक करना चाहते हैं, और अगर आपके पास साल्ट नहीं है तब आप खाने वाले साल्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए आपको कास्टिक सोडा और एसिड स्लरी तो चाहिए ही, समझ में आ गया। तो यह मैंने कमेंट के ऊपर बनाया था वीडियो कि खाने वाले साल्ट से हम डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं नहीं, तो ये देखिए बहुत बढ़िया बन गया है, देखिए कितना बढ़िया। अब हम इसमें अगर कलर मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से अगर हम कलर इसमें मिला देते हैं, और थोड़ा सा अगर हम परफ्यूम मिला देते हैं इसमें इस तरीके से, देखिए ठीक। अब ये देखिए कितना बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर हमारा बनकर एकदम तैयार है, ये देखिए कितना बढ़िया देख पा रहे हैं, मतलब खाने वाले साल्ट से कितना बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर बन गया, देखिए खाने वाले साल्ट से देखिए कितना बढ़िया ये डिटर्जेंट पाउडर। अगर हम इसका झाग चेक करें तो चलिए मैं आपको झाग भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, देखिए इसमें हम थोड़ा सा वाटर लेंगे, ना बहुत है, और उसके बाद हम इसमें इतना ही डालेंगे, और देखिए देखिए झाग भी इसका बढ़िया बन रहा है, देखिए तो यह बढ़िया बन सकता है। अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से खाने वाले साल्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यही है कि खाने वाले साल्ट का आप यूज करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा महंगा आपका पड़ेगा, क्योंकि खाने वाला साल्ट महंगा मिलता है, और इंडस्ट्रियल जो साल्ट होता है वो आपको 4 से 5 रुपये के जी मिल जाता है, 50-50 kg का बैग आता है, समझ में आ गया। यही आपको जानकारी देना था कि खाने वाले साल्ट से भी डिटर्जेंट पाउडर बनाया जा सकता है, लेकिन ये आपको महंगा पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया है डिटर्जेंट पाउडर बनकर तैयार हो गया। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।